नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे महिलाओं की उस समस्या के विषय में जो कि महिलाओं के लिए बहुत पेनफुल होती है, क्योंकि ये समस्या होने पे उनको सर्जिकल प्रोसेस से भी गुजरना पड़ता है अक्सर, और यह उनका सामान्य जो वैवाहिक जीवन होता है उसके बाद का जो परिवार को बढ़ाने के लिए एक बच्चे वाला विषय होता है उसको भी यह रोकता है और उनको मानसिक और शारीरिक और आर्थिक तीनों रूप से पूरे परिवार को तोड़ देता है, परेशान कर देता है, उथल पुथल पैदा कर देता है। आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। एंडोमेट्रियोसिस जो कि आजकल हार्मोनल चेंज के कारण तमाम महिलाओं को हो रहा है और महिलाएं इससे बहुत परेशान हैं और डॉक्टरों के चक्कर काटने पे मजबूर हैं। हम आपको बताएंगे एंडोमेट्रियोसिस को ठीक करने की होम्योपैथी में 10 कारगर दवाएं, वह दवाएं जो आपको इस समस्या से बाहर निकाल देंगी, आपके वैवाहिक जीवन की जो खुशी है उसको वापस ला देंगी, आपकी जो समाज में एक हीन भावना आपके अपने अंदर और समाज की आपके प्रति हो रही है उसको वह ख़त्म कर देगी और आपको एक सशक्त महिला के रूप में समाज में स्थापित कर देगी। बात करते हैं, बताते हैं आपको एंडोमेट्रियोसिस को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के विषय में। उससे पहले आपको बता दें एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है। एंडोमेट्रियोसिस जो है वह आपका उस टिश्यू की यूट्रस के बाहर ग्रोथ है जो कि यूट्रस में होना चाहिए। जो आपका बच्चेदानी होती है, यूट्रस होती है, उसको एक टिश्यू लाइन करता है, वह टिश्यू होता है एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन। एंडोमेट्रियम जब जो है यह जो टिश्यू होता है एंडोमेट्रियम टिश्यू, यह जो है आपकी यूट्रस की जगह विभिन्न कारणों से, जो कि मैं अभी आपको बताऊँगा, विभिन्न कारणों से वह यूट्रस के बाहर फेलोपियन ट्यूब में या ओवरी में ग्रोथ करने लगता है तो उसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। यह टिश्यू ग्रोथ करके फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देता है और आपका प्रेगनेंसी में दिक्कत लाता है, यही एंडोमेट्रियोसिस होती है। अब बात कर लेते हैं एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स के विषय में। एंडोमेट्रियोसिस में तमाम सिम्टम होते हैं जो आपको इंडिकेट कर देंगे कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। वह सिम्टम जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, कभी कभी बहुत प्रोफाउस हो जाते हैं। दूसरा सिम्टम इसका होता है एंडोमेट्रियोसिस का, आपके पेनफुल पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स में पेन बहुत होता है, यानी वो इरेगुलर हो गए, उनमें पेन बहुत हो गया। फिर एक सिम्टम होता है कि आपका जो इंटरकोर्स होता है वह पेनफुल हो जाता है। जब आपके पेनफुल इंटरकोर्स हो जाए तो आप समझ लें कि हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस की दिक्कत की संभावना हो। फिर एंडोमेट्रियोसिस अपने साथ लाता है इनफर्टिलिटी को, आपको इनफर्टिलिटी हो जाती है क्योंकि जो ओवरी से एग रिलीज होता है वह फेलोपियन ट्यूब्स से होता हुआ फर्टिलाइज होता हुआ यूट्रस में नहीं जा पाता, बीच में जो एंडोमेट्रियम टिश्यू है वह आपके फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर चुका होता है। तो यह कुछ सिम्टम होते हैं। आपके जो लोअर एब्डोमेन है उसमें गर्जलिंग होने लगती, क्रैम्प्स आने लगते हैं, पेन होने लगता है, तो यह सब सिम्टम है आपके एंडोमेट्रियोसिस के। अगर यह सिम्टम आप में पाए जाएँ तो आप समझ लें कि आपको शायद एंडोमेट्रियोसिस हो गया है, एक अल्ट्रासाउंड से वो डिटेक्ट हो जाएगा और आपके सामने यह तकलीफ आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं कॉजेस की कि आखिर एंडोमेट्रियोसिस क्यों हो जाता है। एंडोमेट्रियोसिस होने के तमाम कारण हैं। पहला कारण है रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन वह स्थिति होती है कि जब आपका जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, वह शरीर के बाहर जाने के बजाय वापस आपकी पेल्विक कैविटी में आ जाता है। वो अपने साथ एंडोमेट्रियम टिश्यू लाता है और वह एंडोमेट्रियम टिश्यू जगह जगह पेल्विक कैविटी में स्टिक होकर वहाँ पे ग्रोथ शुरू कर देते हैं और आपके एंडोमेट्रियोसिस का कॉज बनते हैं। इसका दूसरा कारण है, एक थ्योरी कहती है कि जो आपके पेरिटोनियल सेल्स होते हैं, जो आपके एब्डोमेन में सेल्स होते हैं, वह इम्यून सिस्टम के डीरेंजमेंट के कारण एंडोमेट्रियल सेल्स में बदल जाते हैं। इसको इंडक्शन थ्योरी कहते हैं। यह एक थ्योरी है जो कि रिस्पॉन्सिबल कुछ लोग कहते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस के लिए है, कि जब आपके पेरिटोनियल सेल्स जो होते हैं, जो पेरिटोनियम में सेल्स होते हैं आपके एब्डोमिनल कैविटी को आउटलाइन करते, वह इम्यून रिस्पॉन्स के कारण वह जो है वह एंडोमेट्रियल सेल्स में बदल गए।
तो यह भी आपका एंडोमेट्रियोसिस का एक कॉज हो सकते हैं। फिर एक तीसरी कंडीशन आती है कि जब आपके जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं, एम्ब्रियो के सेल्स होते हैं, वहाँ एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण पेरिटोनियल इसमें एंडोमेट्रियल सेल्स में बदल जाए, यह भी एक स्थिति होती है जो आपके एंडोमेट्रियोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर एक कंडीशन होती है कि कभी कभी आप सीजेरियन से अंडरगॉन हुए, किसी सीजेरियन से आप अंडरगॉन हुए, सी सर्जरी आपकी हुई एब्डोमेन में, और उसके बाद जो वह टिश्यू निकालते वक्त कुछ टिश्यू के फ्रैगमेंट्स अंदर इधर उधर डिस्प्लेस होके पेल्विक कैविटी में आपके रह गए, और जब वो रह गए वो वहाँ पे ही स्टिक करके आपके वॉल से इंटरनल ग्रोथ करने लगे, तो वह भी एक कंडीशन होती है जब आपके एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है और एंडोमेट्रियम सेल्स यूट्राइन कैविटी के बाहर ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तो है ही है, जब आपका बॉडी इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो गई तो आपको एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। लेकिन आप घबराए ना, अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है, आपको एक तकलीफ है, तो उसकी दवा भी है, और होम्योपैथी में निश्चित रूप से एंडोमेट्रियोसिस को ठीक करने की बहुत कारगर दवाएं हैं। हम आपको बताएंगे इसकी 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के बारे में, लेकिन दवाएं बताने से पहले हम आपको बता दें कि यह सेल्फ मेडिकेशन में दवाएं ना करें, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस एक गंभीर विषय है। किसी डॉक्टर की सलाह लेके उसके प्रिस्क्राइब करा के ही दवा लें, यूँ अपने आप दवा ना लें, क्योंकि जो दवाएं फ़ायदा करती हैं वो कभी कभी नुकसान भी कर सकती हैं। चलते हैं सफ़र पे, आपको बताते हैं आपको इस समस्या से निकालने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के विषय में। सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो एंडोमेट्रियोसिस में आती है वह है पेनफुल पीरियड्स यानी डिस्मेनोरिया की। आपके पीरियड्स बहुत पेनफुल हैं और आपको वह तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तो अगर यह कंडीशन आपके है कि आपके पेनफुल पीरियड्स हैं और आपके एंडोमेट्रियोसिस है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है ज़ैंथोज़ाइलम और सिमिसिफ्यूगा। यह दोनों दवाएं बहुत कारगर दवाएं हैं जो आपके डिस्मेनोरिया को, एंडोमेट्रियोसिस में होने वाले डिस्मेनोरिया को खत्म कर देंगी और आपके इस सिम्टम को ठीक करके एंडोमेट्रियोसिस को भी ठीक कर देंगी। इसमें ज़ैंथोज़ाइलम बहुत कारगर दवा है होम्योपैथी में डिस्मेनोरिया के कारण होने वाले पीरियड्स को रोकने की, जब आपके एक्सट्रीम लेवल का पेन हो रहा हो और वह पेन आपके पैरों तक जा रहा हो, वह अगर कंडीशन आप में हो रही कि पैर कटे कटे से लग रहे हैं और इतना पेन होता है पीरियड्स के दौरान, तो निश्चित रूप से आपके एंडोमेट्रियोसिस को ठीक करने की दवा ज़ैंथोज़ाइलम है। आप ज़ैंथोज़ाइलम 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकती हैं। यह दवा लेने पे आपको एंडोमेट्रियोसिस से निजात मिलने में बहुत सुविधा होगी। शायद यह आपका एंडोमेट्रियोसिस को खत्म करने का एक सशक्त माध्यम बने। दूसरी दवा इसी कंडीशन में साथियों सिमिसिफ्यूगा है। आप सिमिसिफ्यूगा 200 बूंद 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकती हैं एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में। जब आपके एंडोमेट्रियोसिस हो, पीरियड में बहुत पेन हो और आपके बैक में बहुत पेन हो, आपकी पीठ में बहुत दर्द हो रहा हो, तो वह कंडीशन बनती है सिमिसिफ्यूगा 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेने की। यह आपको एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन से निकाल देगी। फिर एक कंडीशन आती है कि आपको इंटरकोर्स में बहुत पेन होता हो, यह एक एंडोमेट्रियोसिस की बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि इंटरकोर्स के दौरान पेन होता हो, तो अगर आपके पेनफुल इंटरकोर्स हो रहा है ड्यू टू एंडोमेट्रियोसिस, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है प्लेटिना। आप प्लेटिनम मिटैलिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकती हैं। इससे आपका जो इंटरकोर्स के दौरान का पेन है वह भी ख़त्म हो जाएगा और आपका एंडोमेट्रियोसिस का बीमारी भी ठीक हो जाएगा। एक कंडीशन एंडोमेट्रियोसिस में आती है कि जब आपके हर समय पेट के निचले हिस्से में पेन बना है, आपके पेल्विक रीजन में पेन बना है, तो उस स्थिति को ठीक करने की और उस स्थिति में एंडोमेट्रियोसिस को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं हैं। ये 3 दवाएं हैं। पहली दवा है सबाइना, दूसरी दवा है सीपिया और तीसरी दवा पल्सेटिला। यह तीनों दवाएं बहुत कारगर दवाएं हैं जो आपको आपके ये जो पेन हो रहा है इसको ख़त्म कर देंगी पेल्विक रीजन में, जो हर समय बना रहता है एंडोमेट्रियोसिस के कारण। पहली दवा इस श्रृंखला की है सबाइना। सबाइना 1 mg पावर की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर आप वीकली ले सकती हैं।
कि अगर आपके लेबर लाइक पेन हो रहा हो, इतना पेन हो रहा हो जितना कि एक डिलीवरी के टाइम पे, लेबर के टाइम पे होता है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सबाइना। सबाइना 1 mg आप 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पे ले लें, आप देखेंगे कि आपको आराम मिल गया। दूसरी दवा इसी श्रृंखला की सीपिया है। सीपिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में ले सकती हैं कि जब आपके बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो पेल्विक रीजन में और लग रहा हो यूट्रस बाहर आ जाएगा, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हो रहा हो, बियरिंग डाउन सेंसेशन हो रहा हो, आपका मन बहुत दुखी रहता हो, आपको बार बार पे रोना आ जाता हो और आपका एंडोमेट्रियोसिस के कारण आपके पेल्विक रीजन में पेन हो, उस कंडीशन में सीपिया आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। इसको आप एक बार लेके देख सकते हैं, शायद ये आपको दिक्कतों से निकाल दे। तीसरी दवा इसी स्थितियों के साथ ही वो पल्सेटिला है। पल्सेटिला का मरीज बहुत सेंसिटिव होता है, अकेले रहना उसे पसंद नहीं होता, प्यास उसे लगती नहीं है, पानी बहुत कम पीता है और वह सेंसिटिव होता है और एंडोमेट्रियोसिस के कारण तकलीफ से रात भर वो करवटें बदलता रहता है। अगर यह कंडीशन आपको अपने में दिखती हो तो इस कंडीशन में होम्योपैथी में आपके एंडोमेट्रियोसिस को ठीक करने की सबसे कारगर दवा पल्सेटिला नाइग्रा है। आप पल्सेटिला 30 पावर में 2-2 बूंद ले सकती हैं, यह आपको एंडोमेट्रियोसिस से निजात दे देगी। फिर एक कंडीशन आती है एंडोमेट्रियोसिस में, जब आपको एंडोमेट्रियोसिस होता है और आपके हिप्स में बहुत पेन होता है, तो अगर आपके एंडोमेट्रियोसिस है और आपके हिप्स में बहुत पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है कि लग रहा है बिखर जाएंगे टुकड़ों में, तो उस स्थिति को होम्योपैथी में दूर करने की बहुत कंडी अच्छी दवा है और एंडोमेट्रियोसिस को भी उस कंडीशन को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है और दवा का नाम है टाइलियम पेंडुलम। टाइलियम पेंडुलम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकती हैं जब आपके हिप्स रीजन में बहुत पेन हो रहा हो एंडोमेट्रियोसिस के कारण। यह दोनों सिम्टम आपका एंडोमेट्रियोसिस और यह जो सिम्टम है दोनों बातें ठीक हो जाएंगी टाइलियम पेंडुलम के माध्यम से। फिर एक कंडीशन आ सकती है एंडोमेट्रियोसिस में किसी पेशेंट को कि उसके जो है वह डाइजेशन की भी समस्या और साथ में एंडोमेट्रियोसिस भी है, यानी उनका जो है वो रेक्टल रीजन में भी पेन और तकलीफें बनी हुई हैं और साथ में उनको एंडोमेट्रियोसिस है। अगर यह स्थिति आप अपने में देखें तो इसकी 3 कारगर होम्योपैथिक दवा है। पहली दवा है नक्स फॉर्मिका, दूसरी दवा है अमोनियम म्यूर और तीसरी दवा है लेकेसिस। यह तीनों दवा बहुत कारगर हैं आपके रेक्टल सिम्टम को ठीक करने में जब रेक्टल सिम्टम के साथ आपको एंडोमेट्रियोसिस हो। नक्स फॉर्मिका बहुत कारगर दवा है जब आपका पेट का डिसऑर्डर हो रहा हो, आपको फूड डिसग्री ना कर रहा हो और आप डाइजेशन से परेशान हो, उस स्थिति में नक्स फॉर्मिका आपको काम करेगी और अमोनियम म्यूर आपको काम करेगी जबकि आपके स्टूल में ब्लड आ रहा है। जब आपके मेंसेस होता है तो मेंसेस के साथ अगर आपके स्टूल में ब्लड आ रहा है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा अमोनियम म्यूर है, यह आपको पूरी तरह से ठीक कर देगी। और तीसरी दवा इसी की है लिकेसिस। लिकेसिस उस स्थिति में बहुत कारगर है जब आपको तकलीफें रात में बढ़ रही हैं और आपके रेक्टम में बहुत पेन हो रहा है, एक तो आपके मेंसेस आ रहा है एंडोमेट्रियोसिस के कारण और आपके रेक्टम में बहुत पेन हो रहा है, तो अगर यह दोनों सिम्टम आपको कोरिलेट करें तो होम्योपैथी में इसको ठीक करने की निश्चित रूप से बहुत कारगर दवा लेकेसिस है। आप इसकी 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली लेके लाभ पा सकती हैं। फिर एक स्थिति आती है एंडोमेट्रियोसिस की स्थिति में कि आपको एंडोमेट्रियोसिस की शिकायत है और आपके ब्लीडिंग मेंसेस के बीच में भी हुई जा रही है, मतलब कि महीने के बीच में हुई जा रही है, पूरा महीना गया नहीं और बीच में ब्लीडिंग हो जाती है, बीच में स्पॉट आ जाते हैं। अगर यह कंडीशन आपके है और आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो एंडोमेट्रियोसिस और ये ब्लीडिंग बिटवीन द मेंसेस डेट के आपको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है थेरेपी बुर्सा पेक्टोरिस। आप थेरेपी बुर्सा पेक्टोरिस 3x पावर की 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका पीरियड भी सही हो गया, आपका बीच में महीने के बीच में आपको ब्लीडिंग नहीं हुई और आपका एंडोमेट्रियोसिस भी ठीक हो गया। फिर एंडोमेट्रियोसिस में एक कंडीशन आती है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है और साथ में आपको
यूरिनरी ट्रबल्स होने लगे। तो अगर एंडोमेट्रियोसिस है और साथ में यूरिनरी ट्रबल हो रहे हैं तो उसको होम्योपैथी में ठीक करने की दो बहुत कारगर दवा है। पहली दवा है सीपिया और दूसरी दवा है नेट्रम्यूर। सीपिया 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार उसी स्थिति में बहुत कारगर है कि जब आपको यूरिनेशन की अर्जेंसी बहुत ज़्यादा होती है, आप पेशाब को रोक नहीं सकते हैं और आपको पेशाब जाना ही जाना है, तो अगर यह कंडीशन आप में होती है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा सीपिया है। आप सीपिया 30 दो दो बूंद दिन में तीन बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका एंडोमेट्रियोसिस भी ठीक हो गया और आपका जो सडन अर्जेंसी टू यूरिनेट है यह भी खत्म हो गया। दूसरी दवा इसी श्रृंखला की कारगर दवा है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर 1 mg पावर में तीन खुराक 55 मिनट के फासले पर उस समय बहुत आपके काम आ सकती है कि जब आपके एंडोमेट्रियोसिस हो और साथ में आपके यूरिन से ब्लड आ रहा हो पीरियड के दौरान, मेंसेस के दौरान। तो अगर आपके पेनफुल मेंसेस हो और अगर आपको ब्लड आ रहा है यूरिन में, तो उस स्थिति में आपको एंडोमेट्रियोसिस को ठीक करने की बहुत कारगर दवा नेट्रम्यूर 1 mg है। आप इसका तीन खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली लेके लाभ पा सकती हैं। ये साथियों कुछ दवाएं थी आपके एंडोमेट्रियोसिस की समस्या से आपको निजात दिलाने के लिए। निश्चित रूप से दवाएं बहुत कारगर हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कोई भी दवा बिना किसी कुशल चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन के ना लें, क्योंकि यह सब बीमारियां गंभीर विषय होते हैं और हो सकता है जो दवा हम बता रहे हों यह दवा आपके सिम्टम पे ना मैच करे, आपको किसी और दवा की आवश्यकता हो। उस स्थिति में आपको किसी डॉक्टर से राय बिना दवा लेना भारी पड़ सकता है। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप YouTube के नोटिफिकेशन पैनल में अपने क्वेश्चन को लिख सकती हैं या फिर हमारे WhatsApp नंबर 94157386 9415786380 पर आप अपनी क्वेरी को WhatsApp कर सकती हैं। हमारा प्रयास रहेगा आपको संतोषजनक और कारगर जवाब दे सकें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो, इससे कुछ मदद मिली हो आपको, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन दबाकर सबसे पहले सबसे नया वीडियो पाती रहिएगा। आपका इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।